आपने क्या सोचा अंदर अकेले रुकना है? मेरे को लगे शायद कोई उठा के ले जाए तो मैं कहाँ ढूंढू फिर? उठाने वाली सेहत भी होनी चाहिए। वैसे Ladies and gentlemen, here we go. 1, 2, 3, start. नए राउंड के साथ, नई वीडियो के साथ आपका वर्लॉग्स में स्वागत है। तो जनाब आज मेरी तैयारी हो गई है, मेरी और अलीशा की तैयारी। हम लोग जा रहे हैं वोगो बॉर्डर। अलीशा ने बहुत टाइम लगा दिया, रात को अपने रिलेटिव के घर थी, बहुत टाइम लगा, 12 बजे मेरे पास पहुंची। चलते चलते मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बड़ी मज़े की चीज़ है हमारे पास। एक जलंधर का आदमी ये गाड़ी है जो आप ये देख सकते हैं, रोड ट्रिप एडवेंचर USA टू इंडिया बाय रोड। USA से ये बंदा आया है इंडिया में बाय रोड से इस गाड़ी को लेके। और अभी फ़िलहाल वो भाई साहब पता नहीं कहाँ पे, लेकिन गाड़ी उनकी इधर है। ये नंबर भी देख लो, USA टू इंडिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरुआत। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा कि मेरा नाम अब्दुल गफ्फार खान है, मैं एक वर्ल्ड ट्रैवलर हूँ, दुनिया घूमने के लिए निकला हूँ। अगर आप लोगों को भी दुनिया देखनी है, जुड़ जाइए गफ्फार व्लॉग्स के साथ। अच्छा मैं ये बता रहा था कि अभी हम ना जलियांवाले बाग के आसपास ये साइड पे ही जगह है बैठने की। ये देख लो ऐसा जलियांवाला बाग, बिल्कुल ये जलियांवाला बाग ही है ये। यहाँ पे तो यहाँ पे ही बैठने की जगह है साइड पे, तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा था कि मैं आपको अलीशा को इंट्रोड्यूस तो करवाया, हमारे फैमिली लिंक्स हैं। और ये कभी भी मत सोचिएगा, कभी भी गलत कमेंट नहीं आना चाहिए कमेंट सेक्शन में, जिससे अलीशा का बुरा लगे या मुझे बुरा लगे। हम ना लाइक यू नो, अगर हम खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं हम फ्रेंड्स हैं, वो भी गलत मैसेज आता, तो हम एज ए फ्रेंड्स इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे। ये मेरा भाई है, हेलो भाई। हाय ब्रो। ये मेरा भाई है। सो हमने प्लान किया कि हम भाई भाई बन के रहेंगे, इससे अच्छे खुल के बात भी करेंगे। नहीं ऐसा नहीं है, खुल के बात तो पहले भी करते थे, पर आप लोगों के मन में कुछ डाउट ना रहे, लाइक ऐसा कुछ भी कोई गलत कमेंट नहीं होना चाहिए जिससे मुझे बुरा लगे और इसका बुरा लगे। और हम 3 बज चुके हैं दिन के, तो हमारा निकलने का प्लान आ गया वाघा बॉर्डर की तरफ, हम निकलने वाले हैं इंशाल्लाह। भाई साहब हम वाघा बॉर्डर तो पहुंच गए। ओ भाई हो गया जी कम। वाघा बॉर्डर तो पहुंच गए हम, लेकिन बैग्स भी हमने रखे वहां पे। और बैग्स रखने के, एक बैग रखने का इस बार हमसे 100 रुपीज़ लिए। 3 बैग थे हमारे पास, 3 बैग्स का 300 रुपीज़। यार लट्ठ मारी कदम कुछ कहना है? बड़ा गुस्सा आया यार, इतना भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनको पता है कि एक बिजनेस है कि हाँ यार जाएंगी जिनको देखना है वो जाने वाले हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाँ उस चीज़ का नजायज़ फायदा उठा लो आप लोग, एक गलत हो जाती है। एक लॉकर का ले रहे थे 300 रुपीज़, और फिर हमने ऐसे बैग रखवाए, तो ऐसे बैग रखवाने का एक बैग का 100 रुपीज़। और भाई ख़त्म, इट्स नॉट अ गुड थिंग, हैप्पी नहीं हूँ इसके लिए मैं। यहाँ से एंट्री हो रही है हमारी, शाही किला वेलकम्स यू एट अटारी बॉर्डर। और मैं एक आपको इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, यहाँ पे हमेशा लोग कहते हैं कि हम वाघा बॉर्डर पे जा रहे हैं, वाघा बॉर्डर। तो जब कभी आपके माइंड में वाघा बॉर्डर आए, वाघा बॉर्डर यहाँ पे इंडिया में नहीं है, वाघा बॉर्डर पाकिस्तान में है। तो ये जो बॉर्डर है हमारी, ये अटारी बॉर्डर है, इसको हम वाघा बॉर्डर नहीं कहते। अच्छा आप कौन से स्कूल के हो? हम मिले थे मुझे लग रहा है लिए वाला बाग, राइट? यस। कितने दूर से आए आप लोग? राजस्थान। राजस्थान कहाँ से? जयपुर। माशाल्लाह, तो राजस्थान के बंदे हैं, बच्चे हैं मेरे साथ अभी, तो राजस्थान में भी जल्दी एंट्री होने वाली है हमारी। बाय बाय बेबीज। बाय।
एक बार फिर से आपका बता देता हूँ, अगर आपको यहाँ पे वॉकआउट अटारी बॉर्डर आना है तो आप लोगों को अपने बैग्स अपनी गाड़ी में रख के आना पड़ेगा, सब कुछ। आप अपना कैमरा ला सकते हो, फोन ला सकते हो, वॉलेट ला सकते हो, बाकी कोई भी चीज़ की इजाज़त नहीं मिलेगी आपको। बिल्कुल बॉर्डर के बाहर रेस्टोरेंट है, शॉपिंग एंड फन जोन, लेकिन अभी यहाँ पे फिलहाल कुछ नहीं चल रहा है। यहाँ पे अलीशा वो बिल्कुल सामने से जा रही है, क्योंकि वहाँ से गर्ल्स जाती हैं और यहाँ से बॉयज मैन जाते हैं। आपको ढूंढ के रुकना नहीं होता है क्या? यहाँ से लड़के अलग हो गए। हाँ, अलग नहीं होगी, आगे अंदर जाके इकट्ठी होते, चेकिंग जो होती है अलग अलग होती है। ठीक है, ढूंढ के पीछे से भाग भाग के। आपने क्या सोचा अंदर अकेले रुकना है? कोई उठा के ले जाए तो मैं कहाँ ढूंढूं फिर? उठाने वाली सेहत भी होनी चाहिए। वैसे उठाएगा कैसे कोई, माशाल्लाह उठाएगा कैसे कोई, वेट होगा कम से कम 20-25 केजी तो उठा ले, और 90 केजी वेट, 80 केजी वेट तो कैसे उठाए। इनको तो मैंने कम बताया, 100 है 100। फिलहाल हमारी एंट्री होने वाली है अंदर, जहाँ पे परेड वगैरह होती है। लेकिन एंट्री से पहले एक बार फिर से मैं अलीशा से पूछूंगा, जनाब कैसा लग रहा है, कितने फर्स्ट टाइम है या कितने बार आए यहाँ पे? पंजाब में रह के फर्स्ट टाइम, माशाल्लाह माशाल्लाह। और कैसा फील हो रहा है? बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है। वहाँ पे बहुत मज़ा आता है, पाकिस्तान सामने दिखता है, पाकिस्तान की आर्मी दिखती है। यहाँ से लाहौर 22 किलोमीटर, ये बात मैं बोल रही हूँ, लेकिन गफार ने माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ से लाहौर बहुत करीब है। ये बिल्कुल आपको ये पेड़ जो दिख रहा है ये पाकिस्तान में है, माशाल्लाह ये पूरा पाकिस्तान, वाओ। फाइनली हमारी एंट्री होगी अब वाघा बॉर्डर पे, माशाल्लाह। ये सामने पाकिस्तान। Thank you.
बिल्कुल पाकिस्तान के सामने सामने, ये बिल्कुल ये अलग सा रास्ता था। इस रास्ते में पहली बार आए हम आज, तो बहुत अजीब तरीके से देखा, बिल्कुल पास देखा पाकिस्तान। ये सामने यार, ये सामने आपको दिख रहा है, ये पाकिस्तान है। ये 100 meter सर, ये खेत सर, ये जो सामने खेत है सर, ये जो सामने खेत पाकिस्तान के है। ओहो, ये सामने खेत पाकिस्तान के दिख रहे हैं यार, माशाल्लाह। ये सामने खेत बिल्कुल पाकिस्तान के। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपको अच्छे से परेड देखनी है, अच्छे से परेड देखनी है, तो सबसे टॉप फ्लोर पे जाके देखिए कैसा रहा। तो भाई साहब आज तो बहुत मज़ा किया, एक तो अलीशा थी मेरे साथ और दूसरा पूरा पाकिस्तान देखा हमने। पहले हम जाते थे नीचे नीचे स्टेयर्स पे जाके बैठ के देखते थे, लेकिन आज सबसे टॉप पे, टॉप वाली स्टेयर्स पे बैठ के टॉप फ्लोर पे जाके देखा, मुझे तो बहुत मज़ा आया। अलीशा को कैसे लगा? सुपर से यार, ऊपर वाली फीलिंग थी। मैं सच में पंजाब में रह के नहीं आई हूँ, आज ही आई हूँ भाई के साथ, लेकिन पहले कभी नहीं आई थी। बेस्ट पार्ट क्या था? बेस्ट पार्ट यार, मैंने पाकिस्तान वालों को इतनी करीब से देखा, कितने अच्छे लगते हैं वो भी। और ऐसा लग रहा था यू नो, बिल्कुल जब गेट खुला ना, उधर से इंडिया, इधर से इंडियन और उधर से पाकिस्तानी, एक दो कमांडोज वाले बिल्कुल एक दूसरे के सामने, और जब बाजू उठाते क्या लगता है अभी मारेंगे एक दूसरे को, ऐसा कुछ भी। सोचेंगे तुम क्या करेंगे, नहीं जाने पारा ओ छोरा, नहीं जाने पारा, चोरी खाता हो कितने कितने हनुमान की हो गया कितने कितने हो रूम में अलीशा चली गई फिर अपने रिलेटिव्स के पास। एक और रूम लिया मैंने, वो रूम इसलिए लिया यू नो, वो वाला महंगे वाला था, 1000 का मिल रहा था, और ये मुझे बहुत सस्ता मिला। इसमें लाइक 500 rupees मुझे सिर्फ देने हैं, और 500 rupees में मुझे ये रूम मिला। पहले मैं आपको ये रूम दिखा देता हूँ, ऐसा है कुछ रूम। ये है वाशरूम, वाशरूम है ऐसा, और ये है कुछ रूम ऐसे वाला। ये मेरे दोनों बैग्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, और ये है मेरा रूम। मुझे तो बहुत मज़ा आया आज परेड देख के, अगर आप लोगों को भी मज़ा आया तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। और आज का दिन ना बड़ा मज़े का था, मज़े का इसलिए था कि टॉप स्टेट्स पे जाके मैंने पूरी इंडियन आर्मी भी देख रहा था, इंडियन लोग भी देख रहा था, पाकिस्तानी लोग भी देख रहा था,
और टॉप से पूरा कुछ दिखता है, सिर्फ इंडिया ही नहीं दिखता है, पाकिस्तान की वो क्रॉप्स वगैरह, पाकिस्तान के लोग वगैरह वहाँ से जो कि एंट्री होती है उनकी, बहुत अच्छा दिख रहा था और बहुत मज़ा आया मुझे आज। और अगर आप लोगों को भी जाना है वहाँ पे, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, कोशिश कीजिएगा टॉप पे बैठने की, जहाँ से आपको पूरा पाकिस्तान दिखेगा। इंडिया का तो दिखेगा ही अपना, वो सब कुछ दिखेगा, एक्टिविटीज़ तो दिखेंगी ही आपको, आपको पाकिस्तान का सारा कुछ दिखेगा, तो बहुत मज़ा आएगा। सो बस ये थी वीडियो आज की, मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। अब तक के लिए अपना ध्यान, फैमिली वालों का ध्यान, आस पड़ोस वालों का ध्यान, सबका ध्यान रखें, और मेरा ध्यान भी आपने रखना ही रखना है। और इंपॉर्टेंट मैसेज जो हमेशा देता हूँ, अभी भी दूंगा, कि अपने बच्चों को फ्यूचर की इंपॉर्टेंस बताएं, उनको पढ़ाई की तरफ खींचें, उनको दारू बीड़ी गुटखा तंबाकू शराब इन सारी गंदी आदतों से बचाएं। खुदा हाफिज़।